कॉल कर रहा खाली नंबर नंबर नाम बता दो उसका फोन राहुल का इधर आ रहा है अरे राउंड साइड का इधर से आऊंगा तो राउंड चुप ज्यादा बात कर रहा है मैं क्या बाल गाली दे रहा फिर मारूंगा झापड़ खींच के अंदर देखो चुप तेरी माँ का चोटू मारूंगा झापड़ माँ का चोट तो गाली दे रहा लेडीज के साथ पहले नाम बता तेरी माँ का चोटू उसे को बता मेरा फोन दो भैया नहीं दूंगा मेरा फोन दो प्लीज चल अब चल रिक्शा का लेकर क्या मैं बता दूंगा ट्रैफिक ये मेरा जो जवान है वो करीब 4:30 बजे ड्यूटी से छूटने के बाद अपने घर का जो किराना सामान वगैरह लेके व्यापार विहार से राशन सामान किराना सामान लेके वो वापस आ रहा था श्रीकांत वर्मा मार्ग से और स्वदेशी प्लाजा CMD चौक की तरफ जा रहा था आरक्षक। इसी बीच में क्या है कि कोई वो उससे कोई बाइक एक्टिवा में था उनसे यानी कि टकराते बचा तो अगले वाले बंदे को बोला कि भाई आपने यानी कि एक तो रॉन्ग साइड चल रहे हैं और मैं आपसे अभी यानी कि मैं गिरते गिरते बचाऊँ तो इधर में यानी कि बोले रोके गाड़ी एक दूसरे से बात करने के लिए और फिर वो तेज में आ गया वो चाबी निकाल लिया इसकी मोबाइल वगैरह छीन लिए ये बताया आरक्षक ने और थोड़ा सा वीडियो देखने से तो लग रहा है कि बहुत काफ़ी उत्तेजित हो गए थे अगला वाला के यानी कि फिर वो यानी जो भी है वो अभी उस संबंध में अभी आरक्षक ने बस इतना ही बताया है अब वो क्या कार्रवाई चाह रहे हैं तो समय का मामला ये अपने सिपाही जो है विगत 3-4 वर्ष से मैं इनको 3.5 साल से मैं देख रहा हूँ ये सिपाही इस टाइप का सीधे साधा है पहले सरकंडा में था इसके बाद अभी आए रिसेंटली अभी 2-3 महीना 4 महीना हुआ है अपने लिंक रोड में अभी ये हमारे DSP कुजूर साहब के साथ चलता है। अब कई बार हो जाता है यानी कि कभी यानी कि इस टाइप का वैसा कांस्टेबल नहीं बहुत सीधा साधा लड़का है चलता रहेगा मोटरसाइकिल। मेन चीज़ क्या है कि अभी यानी क्राउड यानी जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद यानी कि मार्केटिंग वगैरह करने एक तो टाइम बाउंड था कि उस टाइम पे यानी कि अपने को ये करना है 6 बजे बंद हो जाता है तो उस कारण से भी क्राउड ज़्यादा हो जाता था उसी कारण से भी लोगों को परेशानी मत हो और ये आए दिन यानी पेपर वेपर में छपते रहता है और लोगों को एक समझाइश भी दिया गया 2-4 दिन उसके बाद अपन धीरे धीरे यानी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की तो इसलिए नो पार्किंग वगैरह में और फुटपाथ वगैरह में जो दुकान लगाते हैं उसके लिए भी नगर निगम के माध्यम से अपन टीम के माध्यम से भी हमारे DSP मैडम और हमारे स्टाफ के द्वारा थोड़ा उसको व्यवस्थित करवाने की कोशिश किया जा रहा है।